हाय गाइस, आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो द डेफिनेशन वी नो, मैं बस एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको कि एनी नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ओके, देन दिस नंबर कॉल्ड एज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंड इसको डिनोट किया जाता है जेड से, मतलब बेसिकली हम लिखते हैं ना जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, ये जेड इंटीजर वाला नहीं है, ठीक है, इंटीजर वाला जेड इस तरह से लिखा जाता है। ओके, एंड ये जेड सिंगल है, ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है, ध्यान में रखो स्क्रिप्ट है। ओके, और यहाँ पे आई की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन। ओके, सो इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 + 3 आए, ठीक है, -6 + 2 आए, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो नेक्स्ट, अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया है तो ये जो ए वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं रियल पार्ट। ओके, इसे कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कॉम्पोनेंट होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो यहां पर देखो, अगर मैंने z इज इक्वल टू 6 + 2i लिखा है तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, डिनोटेड बाय रियल पार्ट ऑफ z इट्स 6, एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, इट्स 2। ओके, जो भी रियल पार्ट है उसे इस तरह से डिनोट किया जाता है, रियल पार्ट ऑफ z इज 6 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 2। ओके, अगर यहाँ पे 3 - 2 = 21 आए होता तो यहाँ पे 3 इज अ रियल पार्ट। ओके, एंड -21 इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो लाइक दिस। सो अब बात आती है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की। अरे बाबो, ये क्या चीज है, ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, अब एक बात है कि कोई भी रियल नंबर हो, वॉट एवर, ठीक है, एनी रियल नंबर कैन बी कन्वर्ट इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान में रखो, हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते कोई भी। मतलब क्या, अगर अब देखो, रियल पार्ट, रियल नंबर्स में क्या आते हैं, पूरे रैशनल्स प्लस इरेशनल्स। ओके, सो अगर आप 1 ले लो, 2 ले लो, 6/19 ले लो, ठीक है, 21 ले लो, सो इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। सो क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 0i या 2 + 0i, यस, क्योंकि 0 into any number is 0, therefore 1 plus 0 is 1, once again, okay, so ये क्या हो जाएगा, 6/19 + 0i, okay, so देखो, any real number can be convert into complex number, ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी, लेकिन any complex number may or may not be convert into real number, okay, मतलब हम real से complex में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मतलब अगर मैंने 3 + 2i लिख दिया है तो इसको रियल में कैसे कन्वर्ट करोगे, सो दैट्स व्हाई एनी रियल नंबर कैन बी कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मे और मे नॉट बी। ओके, ठीक है, सो इस तरह से, सो आप बोलोगे आपके पास क्या प्रूफ है कि मे और मे नॉट बी का, तो देखो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 0 + 0i, ठीक है, क्या ये रियल है, यस, क्या ये कॉम्प्लेक्स भी है, यस, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, यस, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, 0 + 0i, सो अगर ये 0 × 0i तो ये हो जाएगा, सो 0 कैन बी कन्वर्ट इनटू रियल नंबर। ओके, बस 0 ही ऐसा एक नंबर है जिसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई मैंने मे और मे नॉट भी लिखा है। ओके, नाउ अब बात आती है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि भाई ये क्या चीज है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है, मतलब क्या, बस उसके अंदर रियल पार्ट ही होना चाहिए, प्योरली रियल मतलब क्या, ओरिजिनल रियल नंबर, मतलब अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा है तो इसको प्योरली रियल कब कहेंगे, जब z इज इक्वल टू ए होगा एंड b की वैल्यू 0 होगी, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z एग्जिस्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होगा, ठीक है, देन वी से दैट प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मतलब इसके एग्जांपल क्या है, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, लाइक दिस। ओके,
So like this. So purely real complex number where imaginary part of z is zero. ठीक है, ये बात ध्यान में रखो बस. अगर किसी ने कहा कि write down any purely real complex number, so बस imaginary part को आपको zero कर देना है. Okay? Then आता है purely imaginary complex number. मतलब उसके अंदर बस प्योरली इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, रियल पार्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा है, सो दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. ओके, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी. सो ये जो रियल पार्ट है वो जीरो होना चाहिए. मतलब z इज इक्वल टू 5i, z इज इक्वल टू माइनस 3i, z इज इक्वल टू 9/2i, लाइक दिस वी कैन से दैट दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, बट प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो. ध्यान में रखो, अगर आपने किसी से भी किसी ने भी आपसे पूछा कि गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, सो आपके दिमाग में एकदम फटक से आना चाहिए कि वहां पे रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो रहेगा. ठीक है, प्योर प्योर बताया. ओके, देन बात आती है इक्वालिटी ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर की. अगर आपको कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, जेड वन इज ए वन प्लस बी वन आई एंड z2 टू इज ए टू प्लस बी टू आई. ठीक है, ऐसा दिया है. ओके, सो अब हम कब कहेंगे ये दोनों इक्वल है? ठीक है, जब z1 वन इज इक्वल टू जेड टू होगा. इंप्लाइज इंप्लाइज ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड बी वन इज इक्वल टू बी टू. मतलब क्या, इन दोनों के रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड टू, ये इक्वल होने चाहिए विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू. ध्यान में रखो, अगर ऐसा हुआ तभी और तभी ये जाके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नॉट. अब आपको एक मजे की बात बताता हूं कि जैसे हम रियल नंबर में लेस दैन, ग्रेटर दैन, ठीक है, इस तरह के कंसेप्ट देखते हैं, तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा क्या? यस yes, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा है 2 प्लस 3 आई, और द आई इज ए इमेजिनरी नंबर. ठीक है, हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर मैंने 2 प्लस 3 आई लिख दिया और ये हो जाएगा 6 प्लस 9 आई, क्या आप ऐसा लिखोगे इज ग्रेटर? नो, 6 प्लस 9 आई इज नॉट ग्रेटर देन 2 प्लस 3 आई. ठीक है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वाई, because here is an imagination. Okay, यहाँ पे imaginary part है. अगर इसकी imagination negative रही, suppose करो ये negative imagination है और इसकी imagination positive है, so ये 2 plus, suppose करो ये हो जाएगा 2 plus 3, 5, और ये 6 minus 9, that is minus 3, then which one is greater? So 5 is greater. Okay, therefore यहाँ पे less than, greater than, मतलब comparison allow नहीं है. ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू होता है क्या, नहीं होता. ठीक है, सीधा सीधा नहीं होता. ठीक है, क्यों? ड्यू टू दिस, ये बात ध्यान में रखो. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कि आपको देखो, आपको अगर मैंने 2 और 3 पॉइंट दिए तो आप ग्राफ पे इजिली प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सो दिस इज द, लेकिन हाउ हाउ यू विल प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द ग्राफ? ओके, सो देखो, अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया है, सो उसको a कॉमा बी के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, बस एक्सेस थोड़े बहुत चेंज हो गए. मतलब क्या, दिस इज x एक्सिस बट हियर इज अ रियल एक्सिस. ठीक है, एंड दिस इज y एक्सिस बट दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे पूरे आय के प्लॉट होंगे, मतलब यहां से पूरे आय होंगे और यहाँ पे रियल पार्ट होगा. ठीक है, सो अगर मैंने आपको बोला 5 प्लस 3 आय, सो व्हाट इज यहाँ पे 5 आ जाएगा और 3 आय यहाँ पे कहीं तो आ जाएगा. इसको आय बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर ये यहाँ पे हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आय और 5, 3. ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया जेड इज इक्वल टू 6, -3, सो आपको समझ लेना चाहिए कि इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 6, -3 आर. ओके, सो आई होप आपको मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते मतलब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, सो गाइस, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन. जो आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत कुछ किया है, अगर नहीं भी किया है तो आपको पता होगा व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली. ठीक है, सो
उसका आगे वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस, ये हम आगे के चैप्टर में देखेंगे. तब तक थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.